थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। तो जो शिनाख्त और अस्तित्व काजी, आपने जैसे कहा कि वो पहले एक टॉपिक था उस पर बात की, अब ये कोई नया, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जो मैं पेश करूँगा, आप सब लोग उससे वाकिफ हैं, सिर्फ उनके अंदर कुछ मरबूत करना और कुछ लिंक डेवलप करना, उसके बाद बेसिकली ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे इसमें। वैसे तो ये बहुत भारी भरकम सा टॉपिक लगता है शिनाख्त और अस्तित्व तकाजे, सो उसको मैं नैरो डाउन करना चाहूँगा ताकि हम जब डिस्कस करें तो ज़्यादा फोकस हो उसमें। उसमें जो मेरा बुनियादी जो नुक्ता नज़र मैं पेश करना चाह रहा हूँ या जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने डिस्कोर्स में जो शनाख्त या आइडेंटिटी का इशू है एक बहुत सीक्रेट वैल्यू के तौर पर लिया जाता है, और जो इंसान के जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के ज़रूरियात हैं, तकाजे हैं, उनकी जो एक खुशगवार ज़िंदगी के लिए जो उनके प्रायोरिटीज़ हैं उसके ऊपर ये हावी हो जाते हैं, और ये लगता है जैसे आइडेंटिटी का इशू एक बहुत प्राइमरी इशू है और बहुत सेकेंडरी, बाकी जो दीगर इशूज़ हैं वो इसके बाद आते हैं। सो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये आइडेंटिटी को एक सीक्रेट वैल्यू के तौर पर लेना और बाकी सारी ज़िंदगी के मसाइल को उस एंगल से एक्सप्लेन करना, ये मेरा ख्याल है कि हम इंसानों के लिए जो एक गैर फितरी सी बात है और इनकी आगे डेवलपमेंट प्रोग्रेस के लिए ये एक तरह से रुकावटें क्रिएट करती हैं। तो क्योंकि अब ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसको काफ़ी हद तक नैरो डाउन करूँगा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल फोर्सेस ने आइडेंटिटी को जिस तरह यूज़ किया है उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स करूँगा। फोकस ये होता है कि हमारा ये ग्रुप जो है, जो उसकी आइडेंटिटी है, इसकी बहुत सुप्रीम है और हम उसी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट का ख्याल करते हैं, इन कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ अदर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, अदर इंटरेस्ट ऑफ अदर आइडेंटिटीज। इसी को अगर हम समझ आगे रखें और पूरे पाकिस्तानी स्टेट की पर्सपेक्टिव में जाएं, तो हम थोड़ा सा एक और देखते हैं कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखें कि 47 के बाद यहाँ पे ख़ास तौर पर एक आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट की गई, और फिर वो जो आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट की गई वो सुप्रीम हो गई, और बाकी जो पाकिस्तान के अपने चैलेंजेस थे, इसकी डेवलपमेंट थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, इसकी एजुकेशन सिस्टम था, हेल्थ सिस्टम था, वो सारे के सारे उसके सेकेंडरी हो गए। वो आइडेंटिटी क्या उसमें डेवलपमेंट हुई ना, एक तो फेथ बेस्ड राइट है कि दे आर सुपीरियर एंड दे हैव टू रूल द वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया जो है उनके ख़िलाफ़ है, तो एक महसूर होने की कैफियत और अकीदे को मिलाकर वो एक आइडेंटिटी क्रिएट की गई। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो मारूजी मसाइल हैं, बाकी दूसरे मुल्कों से मुख्तलिफ, हम लोग सिर्फ उसको या स्टेट उसको सुप्रीम रखती है, बाकी हर चीज़ को कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होनी है, आपका बैंकिंग सिस्टम कैसा होना है, आपकी एजुकेशन कैसी होनी है, आपके हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं, उसके फिल्टर, उस एंगल से फिल्टर होकर आना पड़ेगा। सो ये एक बहुत बड़ा जो है ना, हमारे यहाँ एक ऑब्स्टेकल डेवलप हुई उसमें। आप इसका देख लें, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग जो है तकरीबन उसको ज़ीरो कर दिया है ना, कि जो कुछ बताया जाता है। फिर बहुत सारी इवन जो टेक्स्ट है, बहुत सारे आप सब लोग वाकिफ़ हैं, उसको मैं थोड़ा सा सिर्फ चूँकि जिक्र आए, चाहे वो हिस्ट्री है उसको हमने इस आइडेंटिटी के मुताबिक बनाना है, उसकी एक्चुअल हिस्ट्री या उसकी जो ऑब्जेक्टिव जो भी डिस्क्रिप्शन या डॉक्यूमेंटेशन है उसको हमने सेकेंडरी रखा और इसको वो बना लिया। हमारे अगर कोई एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ के इश्यूज़ हैं, उसको भी हमने अपनी इस फेथ बेस्ड, उसके साथ की कुछ साजिश हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा देखा होगा आपने, ये प्रोपेगेंडा इस तरह होता है। तो आप कोई भी सब गवर्नेंस ले लें, आपकी सिटीजनशिप कॉम्प्रोमाइज है, वी आर नॉट ऑल इक्वल सिटीजन्स, अगर आप मेजॉरिटी फेथ के साथ नहीं हैं तो आप इक्वल सिटीजन भी नहीं हैं, चाहे आप हज़ारों साल से इसी इलाकों में रह रहे हों, सिंध के, पंजाब के, थरपारकर के, लेकिन अगर आपका मेजॉरिटी फेथ के साथ नहीं है तो आप बहरहाल लेस देन इक्वल सिटीजन हैं, आप वो बहुत सारे अहदे हासिल नहीं कर सकते। तो इस तरह एक ख़ास कंस्ट्रक्शन में, अब ये आइडेंटिटी का इशू जो है, हम कंस्ट्रक्शन इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमेशा से इस तरह नहीं हो सकता है ना,
मतलब ये इन इलाकों में अगर हम रहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि 500 साल पहले भी यही हालात हों, यही एथनिक कंपोजिशन हो, यही फेथ की कंपोजिशन हो, और ज़रूरी नहीं कि आज से 50 साल बाद हो, ये माइग्रेट होती रहेगी, ये चेंज होती रहेगी, लेकिन हमने उसको फिक्स कर लिया कि ये अटल है, एज इफ के अजल से अबद तक यही चीज़ रहनी है और हमने इसको डिफेंड करना है। तो इससे ज़ाती तौर पर मैं ही समझता हूँ कि बल्कि बहुत सारे लोग समझते हैं, और इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं, कि हमारे यहाँ जो बाकी दुनिया जिस तरह एक चीज़ों को अपने साइंटिफिक रैशनल लॉजिकल अंदाज में ट्रीट करती है और जो मसला आता है उसको हल करने की कोशिश करते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। बल्कि हम चूंकि इस आइडेंटिटी को सुप्रीम रखते हैं, तो हम बाकी जितने मसले हैं वो पहले देखते हैं कि कहीं आपकी ये जो बड़ी नरमो नाजुक सी और फ्रेजाइल सी और अंडर थ्रेट आइडेंटिटी है, ये तो कहीं आपको थ्रेट नहीं हो रही, और अगर ये थ्रेट हो रही है तो हम उस मसले को हल नहीं करेंगे। हो जितना भी हमारा वक्त का ज़िया हो, जितना हमारा एजुकेशन सिस्टम बैकवर्ड हो जाए, इसको काफ़ी ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस आइडेंटिटी को अगर हम देखें तो इसने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की इस रवैये ने कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में आइडेंटिटी एज ए पावर, आइडेंटिटी वैल्यू एज ए पावर का जिस तरह पाकिस्तान की पूरी ओवरऑल जो कंस्ट्रक्टेड रियलिटी में इस्तेमाल हुआ है, वो अगर आप देखें इसके असर बाकी मूवमेंट्स में भी बहुत हुए हैं। अब जो एथनिक मूवमेंट्स हैं, फ़र्ज़ कीजिए जिसको आप नेशनलिस्ट मूवमेंट्स भी कह सकते हैं, उसमें भी एक ख़ास हद से ज़्यादा उन्होंने इसी यानी रवैये को इस्तेमाल किया, यानी पंजाबी होना, बलोच होना, सिंधी होना, ये बुनियादी तौर पर अहम हो गया। इसकी अपनी कुछ डायनेमिक्स होंगी, लेकिन अगर आप देखें कि जितने भी नेशनल मूवमेंट्स के लीडर्स होंगे, उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए मरोजी तौर पर वहाँ कोई हालात तब्दील नहीं किए, उनकी बेहतरी के लिए सिर्फ ये है कि उन्होंने एक पावर सेंटर्स के साथ अपने क्लिक को रखा और एक सिंबॉलिक हद तक जो है उस आइडेंटिटी को प्रोपोगेट किया। इससे लोगों की ज़िंदगियों में फ़र्क नहीं पड़ता, और उसमें भी बहुत ज़्यादा जो आप देखें पास्ट ग्लोरिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, एज इफ के वही हर चीज़ है, और उसी ज़माने के लोग जिस तरह रिएक्ट कर रहे थे सोशल चैलेंजेस को, उसी को हमने रिक्रिएट करना है। सो हम एक जो मौजूद चैलेंजेस से डेविएट करके पास्ट ग्लोरिफिकेशन में जो अपनी आइडेंटिटी को बाकी आइडेंटिटी से सुप्रीम रख कर एक तरह से बिल्कुल रैशनल एनालिसिस को जो है ना उसमें बहुत बाउंड्रीज क्रिएट कर दी, उसको हमने आगे उसको प्रमोट किया। ये थोड़ी सी कुछ बातें मैं इसको एक डिस्कशन के तौर पर यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरा अपना मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा, बाकी सवाल जवाब ये डिस्कशन में भी आप लोगों के ख्याल आप इसमें सुनना चाहेंगे। मैं इसको दोबारा ये समझता हूँ कि जो रियल प्रॉब्लम्स हैं लोगों के, जो जिस जगह पे भी आप जाएं लोगों के मसाइल होंगे, एक खुशगवार ज़िंदगी, इकोनॉमिक बेहतरी, पीस हो, लोगों का म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, आपको इक्वल सिटीजनशिप का स्टेटस हो, ठीक है, और जो बहुत सारे कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं उनको कंटेम्प्रेरी टेक्निक्स के साथ ही हल किया जा सकता है, वो पास्ट की ग्लोरिफिकेशन के साथ नहीं किया जा सकता, पास्ट को री एनेक्ट नहीं किया जा सकता। हम इसको पसंद करें या ना करें, लेकिन हकीकत यही है कि ज़िंदगी बदल जाती है, तो चीज़ें अपने ही प्रोसेस में चल रही हैं, हमें इसको रोकना नहीं चाहिए, बजाय ये कि हम चूंकि हम कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को एड्रेस नहीं कर सकते बिकॉज हमारे अपने अंदर कॉम्पिटेंस के मसले हैं, कैपेबिलिटी के मसले हैं, नॉलेज के मसले हैं, टेक्निक्स के मसले हैं, तो हम पनाह लेते हैं कि हमारा पास जो है वो बहुत ग्लोरीफाइड था, हमारे हीरोज़ जो थे वो बड़े सुप्रीम थे, और उसके साथ जुड़े रहने को एक्चुअली ये एक डिफीटिस्ट जो है डिफीटिस्ट अप्रोच है, और किसी हद तक जब तक पावरफुल जो रूलिंग एलीट है उसको ही सर्व करता रहेगा वो इसको चलाएंगे। हमें ये देखना चाहिए कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बुनियादी तौर पर पावर के लिए इस्तेमाल होती है, और ये हम लोगों को जो एक
बिल्कुल एक ब्रॉड बेस्ड इंक्लूसिव प्लुरलिस्टिक अप्रोच के साथ चीज़ों को आगे बढ़ने से रोकती है, और सिर्फ एक एक इंजर्ड जो ईगो है, क्योंकि हम पास को एड्रेस नहीं कर सकते, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई ऐसा वे फॉरवर्ड नहीं है, हमें कम से कम इससे निकलना चाहिए और इसको एक ब्रॉडर अप्रोच के साथ देखना चाहिए। थैंक यू।